अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका क्या हाल है। वेलकम टू कैट कर्डल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आज आपके लिए रिजनेबल प्राइसेस में कुछ प्रोडक्ट्स लाई हूँ कैट के लिए, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ अपनी कैट्स के लिए। माशाल्लाह से मेरे पास 10 कैट्स हैं, मैंने अभी उनका इंट्रोडक्शन नहीं लगाया। मैं फर्दर जो वीडियोज़ अपलोड व्लॉग्स अपलोड करूँगी उनमें उनका इंट्रोडक्शन समझ रहे हो आपके साथ करवाऊंगी। कुछ किटन्स का करवाया, फर्दर जो मेरी कैट्स हैं बाकी की उनके साथ भी करवाऊंगी। खैर, मैं अपनी कैट्स के लिए दो तरह का लिटर इस्तेमाल करती हूँ, एक ये बेंटो नाइट और दूसरा पेट मम्मी का यूज़ करती हूँ, जो लेमन सेंट वाला और ये लेवेंडर वाला, जो कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। ये वाला मैं बेंटो नाइट यूज़ करती हूँ। अच्छा, जो बेंटो नाइट है वो मुझे 5 लीटर जो है नेटवेट जो इसका वो 900 का मिलता है, और पेट मम्मी का आप अगर दराज या कुछ इस जगह पर देखेंगे तो आपको 1000 से लेके 1100 तक मिल जाएगा, 16 लीटर का, 16 kg है सॉरी। अच्छा, पहले मैं फ्लफ़ी यूज़ करती थी अपनी कैट्स के लिए, बट मैंने उसके काफ़ी वो केसेस सुने थे आए हैं, बट मेरी कैट को ऐसा कोई मसला नहीं था, बट फिर भी मैंने उसको स्विच कर दिया नॉर्वेट पे, जो कि ये वाली, और आप देख सकते हैं वो ये वाली है जो नॉर्वेट है, ये ओपन में, वो बंद पैकिंग है, दिखने में ऐसी है। और मैं अपनी कैट के लिए जो मैं अपने कैट्स के लिए शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैं ये रीमू का यूज़ करती हूँ, जो पर्पल वाला है ना, ये किटन्स के लिए, जो कि आप देख सकते हैं ये फॉर किटन्स है, और येलो वाला जो है ना ये फॉर कैट्स है। इनकी फ्रेगनेंसेस बहुत अच्छी हैं। और ब्रश भी यूज़ करती हूँ, अभी मेरे पास वो नहीं है, वो नीचे पड़ा हुआ है। और ये मैं हैंड के लिए इनके जो बाल वगैरह उतारती हूँ ये हैंड ग्लव यूज़ करती हूँ। और ये मैं पायोडीन स्क्रब यूज़ करती हूँ, इनको शैम्पू करने से पहले मैं ये लगाती हूँ, और सादा पायोडीन नहीं, ये पायोडीन स्क्रब आपने यूज़ करना है ये वाला। और ये मेरी जो कैट के लिटर है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर पानी डाल के कि ये पूफ वगैरह करते हैं तो ये उसी वक्त इकट्ठा हो जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये फौरी आप उठा सकते हैं, फौरी इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ही आपने उठा लेना इसको। और इसके जो अंदर ये सेंट है ना कलरफुल से, ये सब फ्रेगनेंस वाली है, ये सब सेंटेड है। और ये वाली कैट फूड आप यूज़ करिएगा, अगर आप इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हो कुछ इस तरह के तो आप फ्लफ़ी से इसको स्विच कर लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी कैट फूड है, ये आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई, आप फिर से देख लें। बाकी मेरे छोटे बच्चे सो रहे हैं, इनको नींद आई हुई थी, इनकी मामा से हमने इनको थोड़ी देर इधर अपने पास रूम में शिफ्ट किया, ये थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं मेरे पास रूम के अंदर एसी के अंदर, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं मैंने एसी के अंदर इनको रखा हुआ है, मज़े कर रहे हैं ये सो रहे हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं। खैर, ये वाला ओवरव्यू दे रही हूँ, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अगर रीजनेबल प्राइस में अपनी कैट्स के लिए यूज़ करनी है तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं।